टेक्निकल आन्सर असतं बुक्का मारल्यानंतर माणूस 10 किलो होतो. नाशिक आपल्या आज स्टुडिओमध्ये असे दिग्दर्शक आहेत, त्यांचं मी परिचय तुम्हाला करून देतो. नाशिक त्यांचं नाव आहे श्रीराम दालटन. श्रीराम दालटन सर, त्यांचं आपण पहिले मनापासून स्वागत करूयात. सरजी, वेलकम टू रेडिओ विश्वास. थँक्यू सो. नाशिकर सरांविषयी तुम्हाला जर सांगायचं झालं तर 2013 साली त्यांनी द लॉस्ट बेहरुपिया नावाची शॉर्ट फिल्म बनवली होती आणि ही नॅशनल अवॉर्ड विनर आहे. आर्ट आणि कल्चर ह्या सेक्शनमधली नॅशनल अवॉर्ड विनर फिल्म आहे. याशिवाय त्यांनी अशोक मेहता सर आहेत, त्यांना तब्बल 8 ते 9 चित्रपटांसाठी असिस्टंट म्हणून, असिस्टंट डायरेक्टर म्हणून सुद्धा काम केलं होतं. त्यामध्ये तुम्ही बघितलेल्या चित्रपटांची नावं सांगायची झाली तर गॉड टू सी ग्रेटो आणि नो एंट्री सुद्धा. नाशिकर याच सरांची आपण त्यांच्या वेगळ्या मूव्ही ज्या आहेत त्याच्याविषयी आपण जाणून घेणार आहोत. काय आहे मूव्ही म्हणजे नक्की काय करतायत सध्या, श्रीराम सर जाणून घेणार आहोत. सर, सबसे पहिला सवाल मी आपसे ये कहना है कि हाउ डिड यू गॉट इन टू फिल्म्स, या फिल्म्स बनाने चाहिए आपको ऐसा क्यों लगा? सो हम इस सवाल के जवाब पे आने से पहले मैं तुमको नहीं और सभी लोगों को मैं झारखंडी अभिनंदन करूँ. जी बिल्कुल बिल्कुल. तो हमारे झारखंडी अभिनंदन में बोलते हैं जोहार. क्या हुआ जोहार? तो सभी लोगों को जोहार है. हाँ, थैंक यू सो मच. यस. और मेरा नाम श्रीराम कुमार है. और मेरा नाम श्रीराम डाल्टन अभी लोग संबोधित करते हैं. तो ऐसे कि ये फिल्म इंडस्ट्री ने ये नाम मुझे चिपका करके दे दिया. मेरे गांव का नाम, मेरे प्रमंडल का नाम डाल्टनगंज हुआ करता था. अच्छा. अभी से कुछ समय पहले, कुछ 2-4 साल पहले था. अभी शहर का नाम भी नहीं रहा, पर वो नाम मेरे नाम के साथ टंग गया है. तो ठीक है, श्रीराम डाल्टन का जोहार है. और फिल्म में मैं कैसे आया, फिल्म बनाने का मैंने कैसे सोचा, ये ख्याल मेरे मन में कहाँ से आया? मैंने मुझे अब मैं सोचता हूँ तो लगता है कि नहीं, सच में कहीं ना कहीं बहुत बचपन में ही मेरे मन में सिनेमा और सिनेमा का फैंटेसी और सिनेमा का हीरोइज्म और ऐसा कुछ बहुत कुछ कहीं ना कहीं अंदर बैठ गया था. जो अब पलट के सोचता हूँ तो लगता है कि ये बीज कहीं ना कहीं तभी अंदर बो दिया गया था जब एकदम शुरू में टेलीविजन सोसाइटी में एंट्री की. हाँ, हमारे गांव देहात तक जब टेलीविजन पहुंचा था और एक टेलीविजन जब कॉलोनी में आया तो मतलब बच्चों के बीच बाप रे बाप, मतलब टेलीविजन को लेकर के टेलीविजन कैसे वीडियो लाते हैं, फिल्म कैसे देख पाते हैं. हाँ, हम एक बॉक्स में लोगों को इतनी कहानियाँ और क्या क्या, तो बहुत सारी चीज़ें हैं. तो अभी रियलाइज़ करता हूँ कि ये बचपन में कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बैठा, लेकिन समझदारी में, उम्र के दौर में, उम्र के पड़ाव में ये बात मेरे